हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बताएंगे ये हमारा पाने वाला ट्यूबवेल है जिस पे हम लगाने आए हैं ऑपरेटर। दोस्तों ये हमारे इसमें जो है स्टार्टर लगा हुआ है और इसके कनेक्शन हमारे स्टार्टर से हैं। और दोस्तों हमें जो है इसमें ऑपरेटर लगाना है। ऑपरेटर लगाने के लिए दोस्तों हम जो ऑपरेटर भी लाए हैं देख सकते हो, और इसमें तेल भी पूरा करना है। हम जो लेकर आए हैं ये बेंटेक्स का ऑपरेटर है, देख सकते हो भाई, और बेंटेक्स का ऑपरेटर है। और जी के हमें एक डालनी है तेल की शीशी, क्योंकि दोस्तों हमारे जो स्टार्टर है उसमें तेल काफ़ी कम था, तो हमें तेल की शीशी भी डालनी है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले ऑपरेटर को ओपन करते हैं और इसको खोलते हैं। तो दोस्तों मैं इसको खोल लिया हूँ, एक हाथ से खोल लिया हूँ, थोड़ी परेशानी आ रही है फ्रेंड। इसके साथ एक गारंटी कार्ड भी आता है जो मालिक लोग पहले ही अपने पास रख लेते हैं ना, तो उसमें पूरा डायग्राम आता है जिसे देखकर आप समझ जाओगे इसे कैसे और किस हिसाब से फिट करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी ओपनिंग करता हूँ। ये मैंने ओपन कर दिया है और इस पर जो है देख सकते हो 6 महीने की गारंटी लिख कर दी है। ये 19/6/2023 में लिया है और टोटल कुल मिला के इसकी गारंटी है जितनी भी आई है। और दोस्तों इसे चलाने का भी मैं तरीका बताऊंगा क्या तरीका है। सबसे पहले जब आप इसके कनेक्शन करोगे तो ध्यान दें, इसके कनेक्शन में इसे मैं स्टार्ट ऑपरेटर को ऊपर रख लेता हूँ, ये घास हो रही है क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगा फिर ठीक से। ये मैंने ऊपर रख लिया है, देख सकते हो इसमें जो है ये दो काले हैं और एक हरी तार है। तो दोस्तों ये जो है हरी वाली तार, इसे नीचे से गौर से देखोगे तो ये SL, तो फ्रेंड ये काली वाली तार जो है देख सकते हो, ये जो है M1 और M2 पर जो है हमारी ब्लैक कलर की तार है, और M3 पर जो है हमारी हरे रंग की तार है। तो इसी प्रकार जो हमारा स्टार्टर है, जो हमारा स्टार्टर होगा उसमें भी L1, L2, L3 लिखा होगा, तो उस पर आप देख कर इसे लगा सकते हो। जो L1 है L1 पर हम काली लगाएंगे, L2 पर भी काली लगाएंगे, और L3 जो है उस पर जो है हम ये हरी तार लगाएंगे, क्योंकि इस पर जो है ये अंदर से इसकी पत्ती जॉइंट होती है, इसमें मेन सप्लाई आती है। तो चलिए दोस्तों पहले इसे समझ लेते हैं। L1 और L2 पर हमें काली लगानी है और L3 पर हमें हरी लगानी है। अब दोस्तों आएंगे हमारे ये दो तार, ये है येलो और रेड। तो येलो और रेड को देख सकते हो दोस्तों, इसे जो है हमें ग्रीन बटन पर लगाना है जिससे हम मोटर चलाएंगे। तो दोस्तों रेड वाला जो है हमें ऊपर की साइड लगाना है, और जी के ग्रीन और येलो वाला हमें नीचे की येलो वाला ऊपर की साइड लगाना है और रेड वाला हमें नीचे की साइड लगाना है। तो दोस्तों और जो हम ग्रीन वाले बटन पर हमारा नीचे का एक तार होता है जो हमारा यहाँ से नीचे से जुड़ करके इस वाले तार पर मिलता है, तो उस तार को खोल देंगे और एक पत्ती होती है स्टार्टर में उसको भी निकाल देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों हम जो है अपना स्टार्टर जो ओपन करते हैं, सबसे पहले इसका जो बोल्ट है उसको ओपन करेंगे। ये हमने कर दिया है ओपन, काफ़ी पुराना स्टार्टर है। अब दोस्तों इसको जो है इस वाली पत्ती को जो है इसे भी ओपन कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों हमें इसके नीचे एक पत्ती जॉइंट होती है उसको भी हटाना है, तो ये हमने जॉइंट कर दिया है। अब जो है हम अपना ऑपरेटर ले लेते हैं, ऑपरेटर लगाएंगे। तो ऑपरेटर जो लगाना है हमें मेन लाइन पर लगाना है। ये ऑपरेटर मैंने रख दिया है और ऑपरेटर के तार जो है हमें मेन लाइन वाली साइड पर ही साइड को ही निकालने हैं। ये हमने ऑपरेटर के तार इधर को निकाल दिए हैं, तीनों तार देख रहे हैं ना। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला काला तार है, यानी कि ये वाला काला तार, ये हम L1 पर लगाएंगे जिस हिसाब से हमारा इस पर लिख रहा है M1। ये ले लिया हमने सबसे पहला वाला काला तार, इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके जो है हमने जो है इसे ढीला कर लिया है, ढीला करके इसी के अंदर को इसमें आपको लगाना है। ये हमने एक तार लगा दिया है काला वाला। अब जो दूसरा ये हमारा L2 है, ये हम दूसरी लाइन पर लगाएंगे।
तार इस हिसाब से लगाना है कि तार हमारा सही करके टचिंग हो जाए प्लेट से। अब हमारा जो है हरा तार बचा है, वो ग्रीन तार हरा तार बचा है, इसको भी हम L3 पर लगाएंगे। देख सकते हो इस पर L3 लिख रहा है। तीन तार हमने इसके लगा दिए हैं, अब बचे हैं हमारे दो तार। तो फ्रेंड दो तार जो हम हैं लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे इसके बटन पर जो हमारा ग्रीन कलर का बटन है। देख सकते हो ग्रीन कलर का बटन हमारा ये वाला है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, हम इन दोनों पेचों को खोल लेंगे। पेच खोल लिए हैं, अब जो है हमें स्टार्टर को निकाल देना है बॉक्स से। बन गया, हल्का टेढ़ा करना है। अब हमें जो है ये तार को ढीला करना है और येलो वाला तार निकाल छीलना है थोड़ा ज़्यादा। ये वाला तार हमने छील दिया है और इस तार को इसी पर एक अलबेट लगा करके एक गांठी लगा देनी है। ये हमने टाइट कर दिया है और अब ये वाला तार खोलना है फ्रेंड। इस वाले पेच को पूरा खोलना है। ये हमने पूरा खोल दिया है। अब ये वाली जो वायर है इसको हमें अलग निकालना है बिल्कुल। अब रेड वाली वायर लेनी है ऑपरेटर की, इसे थोड़ा ज़्यादा छीलना है। छील कर इस पर एक अलबेट लगाना है और गांठी सी लगा देनी है जिससे कि ये रिमूव ना होए। ये हमने जो लगा दिया है इसको टाइट करेंगे अच्छी तरीके से, लूजिंग ना रहे। तो दोस्तों इसमें सबसे मेन पॉइंट जो है ये जो तार हमने निकाला है इसी का मेन मकसद है। इस यही तार हटाने की वजह से जो है ये दोस्तों हमारा ऑपरेटर काम करता है और जब लाइट इसमें आ जाती है तो 30 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक ऑन कर देता है। दोस्तों ये हमारा जो तार है, ये हमारा तार यहाँ से होकर के याली पत्ती पर जाता है। तो अब क्या काम करेंगे, सबसे मेन पॉइंट वाली बात है दोस्तों, इस हमारे जो स्टार्टर है इसमें एक पत्ती होती है जॉइंट हुई हुई वाली। दिखाओ ये जो पत्ती आपस में जॉइंट है, ये अगर नहीं हटाओगे तो आपकी मोटर जो फॉल्ट मारेगी और ये काम भी नहीं करेगा, स्टार्टर हमारा काम भी नहीं करेगा। तो इसका हटाना जो है बहुत ज़रूरी है। और जब आप इस पत्ती को हटा लो तो इसकी पत्ती और अपना जो स्टार्टर है उसके अंदर ही डाल दें। तो दोस्तों मैंने पत्ती हटा दी है, देख लीजिए। अब मैं इसमें डालूँगा तेल, क्योंकि इसमें तेल भी काफ़ी कम है। तो फ्रेंड ये ले ली हमने तेल की बोतल, अब तेल हमें इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड हमने ये पूरी बोतल तेल की डाल दी है। अब हम जो है इसको जैसे हमने निकाला था उसी हिसाब से फिट करेंगे। तो फ्रेंड हमने जो है ये बिल्कुल फिट कर दिया है और ये हमारे ऑपरेटर के कनेक्शन हो गए हैं। अब हम इस पर जो है टेम्परेली ये ढक्कन जो है हम लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों बोल्ट भी खींच ही देते हैं। बोल्ट खींच देंगे तो इससे क्या होगा, ये हमारा काम जो है मजबूत हो जाएगा।
तो फ्रेंड हमने नीचे के पेच खेद दिए हैं, अभी ये इसको भी हम इस तरीके से फिट करेंगे। ये पेच जो इसका जो पेच है वो हम सबसे लास्ट में लगाएंगे, टेम्परेली लगाना है। अब दोस्तों हम जो है मेन लाइन के तार लगाते हैं, ये लगा दिया है, अब हम मेन लाइन के तार लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहले मैं बता दूं, अगर ये हमारी ओन वाली बत्ती जलेगी और ये हमारी हेल्थली वाली जलेगी तो हमारा जो है ऑपरेटर 30 सेकंड के बाद अपना आप हमारे जो समरसेबल है उसे चला देगा, और ये अगर लाल वाली बत्ती जलती है फाल्ट वाली तो आपको जो है इसके तार चेंज करने हैं काले काले आपस में, तो काला अदल बदल कर दोगे फाल्ट वाली लाइन पर तो हमारा ऑपरेटर सही काम करेगा। तो चलिए दोस्तों हम मेन लाइन के तार लगाते हैं। तो दोस्तों उधर है हमारा खंबा, ये हमारे फ्रेंड जो हैं तार लगाने जा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। देख सकते हो हमारी जो है मोटर अब 30 सेकंड के बाद चल जाएगी। इसमें हेल्थी और जी के ये ऊपर वाली डेली वाली लाइट जल गई है, अगर हमारी वाली लाइट जलती तो हम तार अदल बदल करवा देते। तो चलिए दोस्तों अभी हमारा समरसेबल चला नहीं है, देख सकते हो जब हमारा समरसेबल चल जाएगा 30 सेकंड होते ही। ये हमने ऑटो पर और ये वाला बटन जो है आपको ऑटो पर करना है। फ्रेंड ये जो मैंने काली डबल काली नीली तार लगाई थी तो ये क्या काम करना है, आपको L1 पर जो लगानी है नीली तार लगानी है, L2 L3 पर जो है दोनों ब्लैक तार लगानी है, तो आपका समरसेबल चल जाएगा। ये जानकारी मैंने वीडियो के लास्ट पे दी है। ये